हेलो वेलकम थोड़े अपने चैनल मेहनती बच्चे च। सो अज की वीडियो दे विच यूनाइटेड नेशन दी जिहड़े डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं उन्होंने हैडक्वार्टर्स नू याद करन दी ट्रिक्स देखांगे। जिहड़ा ये वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुसी PPSC का पेपर देना है या फिर पंजाब दे जिहड़े होर पेपर हुंदे हैं लाइक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का पेपर हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, फूड इंस्पैक्टर का एग्जाम हो गया। मतलब तुसी ऐ लगाओ तकरीबन जिन्ने भी एग्जाम्स हैं सारे दे विच इहदे विचों क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। या फिर नैशनल लैवल ते अगर आपां SSC दी गल करिए बैंक्स दे जिहड़े पेपर हुंदे हैं उहदे विच वी टॉपिक च क्वेश्चन पुछदे ही पुछदे हैं। ओके सो अज दी जिहड़ी लैक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इहनूं अच्छे तरीके नाल समझो। ये तो इलावा पहला भी यूनाइटेड नेशन दे उपर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, सो जिहड़े बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखी वह भी जरूर देखन बिकॉज वह भी वीडियो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो जिहड़े बच्चों ने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो तो बैल आइकन में टैप करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलती रहन। एक होर गल, अगर तुम मेरे चैनल नाल रिलेटेड कोई इनफॉर्मेशन देखनी है या फिर जी नोटिफिकेशन देखते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी है वो सारे मेरे एक फेसबुक का ग्रुप है, तुसी ओवला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उहदा लिंक जिहड़ा हैगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स थानू मिल जूगा। सो अज दे लैक्चर नू स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला देखो अपनी 5 एजेंसीज हैं, ठीक है। सब तो पहला आपां इहनां दे कीवर्ड देख लैंदे हां। देखो जिहड़ा अपने कोल वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन है इहदे विच कीवर्ड प्रॉपर्टी रहेगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन च अपना कीवर्ड हैगा टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये बारे करंट अफेयर की वीडियो भी डिस्कस किया। तो इलावा ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, सो इस अपना लेबर रहेगा कीवर्ड। उस तो बाद वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन जो मौसम विभाग है ना मौसम की जानकारी देंगे ना ये वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन, सो इस अपना मैट्रोलॉजिकल रहेगा। उस तो बाद वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन अपना हैल्थ जो कीवर्ड रहेगा। यदि हैल्प नाल आप ट्रिक याद करा। सब तो पहला जी 5 एजेंसीज हैं इन्हों के हैडक्वार्टर कितने हैं, वो हैगा जेनेवा। ते जेनेवा फदर कित्थे है, स्विट्जरलैंड। पहला पॉइंट तो यही है। हुण जेनेवा नू किवें याद रखना है, जेनेवा नू याद रखना है तुसी जान लेवा। ओके सो हुण देखो स्टोरी अपनी, सपोज करो अपने कोल आह कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, ते इहदे कोल बहुत सारी प्रॉपर्टी पई है। सो जिहड़ी इहदे कोल प्रॉपर्टी है उत्थे सोच रहा है कि कोई घर नू कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। हुण अगर इन्हें घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो इनू लेबर की जरूरत पेगी। सो ये की करता है, ये इन्हों कम्यूनीकेट किमें करता है, लेबर नू बुलाने के लिए किमें कम्यूनीकेट करता है, थ्रू टैलीफोन। सो टैलीफोन करके लेबर नू बुला लैंदा कि मैनू लोड़ है इन्ने बंदिया की, ठीक है, हाँ घर बनवाना है। सो अपने को अपने को तीन ऑर्गनाइजेशन याद हो गई प्रॉपर्टी के नाल। पहली वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन, और तो बाद सैकेंड जी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो टेलीफोन तो याद हो गयू। थर्ड अपने को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, अपनी लेबर तो गयू। हुण की होया, हुण लेबर आ गई काम भी करन लग गई, पर कुछ दिन बाद अचानक मौसम जिहड़ा हैगा वह बहुत ज़्यादा खराब हो गया। उहदी वजह तो जिहड़े भी बंदे उत्थे काम कर रहे सी एज लेबर, ठीक है, उन्हां दी जिहड़ी हैल्थ है वह बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। सो मतलब की है, मेन गल याद रखनी है कि मौसम के खराब होने नाल, सो मौसम तो की याद रखोगे तुसी वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन, ते हेल्थ बहुत खराब हो गई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। हेल्थ इन्नी खराब हो गई कि उन्होंने जान तक जा सकती, उन्होंने जान भी जा सकती है। सो जान तो किवें थोनू दस्सिया सी जेनेवा नू कित्थों याद रखना है, जान लेवा तो, ठीक है। सो अपनी जिहड़ी आ पंजों दी पंजों ऑर्गनाइजेशन है मैट्रोलॉजिकल हुई मौसम खराब तो, उस तो बाद हैल्थ वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन हुई हैल्थ खराब तो। ओके आई होप थोड़े ट्रिक नाले पंजों ऑर्गनाइजेशन याद हो गया होंगे। हुण नैक्सट होर करते हैं, सिक्स्थ ऑर्गनाइजेशन वो हैगी अपनी वर्ल्ड बैंक। इनू वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोलते हैं, तुसी वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हो। ओके उस तो बाद अपनी सैकेंड हैगी सैवंथ हैगी IMF, दैट इज इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, ठीक है। हुण जिहड़ी दो अपनी ऑर्गनाइजेशन है इन्हां दे हैडक्वार्टर ने अपने कोल वाशिंगटन, USA दे विच। हुण इहनू किवें याद रखांगे, सपोज करो अपने कोल कुछ ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं,
ठीक है, उहदे विच इक बैंक है वर्ल्ड बैंक जिहदा नाम है, एक वर्ल्ड बैंक, उहदे विच अलग अलग बैंक्स है, ठीक है, एवें याद रख लो। हुण जिहड़ा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक है, उहदी रोज सफाई कीती जाती है, मीनस उहनू रोज वॉश किया जाता है। क्यों वॉश किया जाता है? बिकॉज उत्थे टनस ऑफ फंड्स पए हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। ओके, सो वॉश ते टन तो आपां नूं की याद हो गया? वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक तो याद हो गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उस तो बाद टनस ऑफ फंड्स पए हैं मनी दी फॉर्म च, सो मोनेटरी फंड अपना इत्थे हो गया कवर। आई होप ये ट्रिक ना थोनों ये दो ऑर्गेनाइजेशंस भी याद हो गया होंगे। और तो बाद अपने कोल एट्थ देखते हैं। पहली हैगी अपने कोल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिन्हों FAO भी बोलते हैं। और तो बाद अपनी नाइन्थ हैगी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट। ठीक है, ये विच अपने कोल बेसिकली यदि भी शॉर्ट फॉर्म भी थोड़ी जी याद रख लिया करो, कई बार पूछ लेंगे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म भी दी होंगी, सो उन्होंने आप बोलेंगे IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, और तो बाद अपने कोल टेंथ हैगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, जिहड़ा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने लिखांगे WFP। ओके, हुण जिहड़े तीनों अपने कोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हां दा बेसिकली हैडक्वार्टर हैगा अपने कोल रोम, जिहड़ा कित्थे है इटली दे विच। ओके, हुण इहनूं किवें याद रख सकदे? इक तां तुसीं इह याद रख सकदे हो जिवें फूड दे विच WO आ गया, ते एग्रीकल्चर भी बेसिकली फूड नाल इंटर रिलेटेड है, ठीक है, सो फूड जिथे आ गया उत्थे आऊगा अपना रोम। ओके, आर रोम च भी ओ आ गया। या फिर सैकेंड ट्रिक इह है, हुण जिहड़ा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है उहनूं कौन करदे हैं? फार्मर्स करदे हैं, ठीक है, ते इहदे विच की उगाउंदे हैं? फूड उगाउंदे हैं। सो जिहड़ा फूड ते एग्रीकल्चर है बेसिकली उह इंटर रिलेटेड है ना, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਫੂਡ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਾਏ ਫੂਡ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ 10 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11th ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, वो हैगी अपनी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिन्हों IAEA भी बोलते हैं। और तो बाद नेक्स्ट अपने को हैगे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उन्होंने बेसिकली आप बोलते हैं UNIDO, मतलब फर्स्ट फर्स्ट लैटर इन्ह ने वैसे चक्या होंगे, ठीक है। हूँ जेडे ये दो अपने को ऑर्गेनाइजेशन है, ये हैडक्वार्टरस है अपने को वीएना दे विच, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਸਟਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਵਿਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਫੋਰ ਵਿਕਟਰੀ, ਵੀ ਫੋਰ ਵੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ। ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 13th ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ।
ठीक है। हुण जिहड़ी इह वाली इहनूं आपां बोलदे हां ICAO। ओके, हुण जिहड़ा इह वाली ऑर्गनाइजेशन है इहदा हैडक्वार्टर हैगा बेसिकली अपने कोल मॉन्ट्रियल दे विच कैनेडा। ठीक है, हुण सपोज करो एक लेडी है ये दूसरी लेडी है, तो जिहड़ी इह लेडी है इहदा एक बेटा है, ठीक है, जिहदा नाम है मोंटी। हुण इह वाली लेडी ए लेडी नूं पुछदी है, मतलब ए लेडी बी लेडी नूं पुछदी है जिहदे बेटे दा नाम मोंटी है कि मोंटी अजकल की कर रहा है। आंटियां नूं आदत हुंदी है ना पुछण दी, सो उह पुछ रही है कि मोंटी अजकल की करदा है। सो उहदे मम्मी कहिंदे आ कि उह अजकल सिविल सर्विसिज की तैयारी कर रहा है। ठीक है, सिविल सर्विसिज की तैयारी कर रहा है। सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है ना, सिविल वर्ड आ गया, सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन किवें याद होया, तो कितने है मोंट्रियल दे विच, मोंट्रियल मोंटी तो याद रह जूगा, तो सिविल वर्ड जिहड़ा है वो सिविल सर्विस तो याद रह जूगा। ओके, आई होप ए वाली भी थोनू याद हो गई होगी। सो नैक्सट गल करते हैं 14th अपने कोल हैगी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन। ठीक है, इनू आपां IMO भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन। इहदा बेसिकली जिहड़ा हैडक्वार्टर है वह हैगा लंडन दे विच, यूनाइटेड किंगडम लंडन च। ओके, हुण इहनू किवें याद रखांगे, देखो मैरीटाइम, हुण अगर आपां मैरीटाइम नूं वर्ड नूं तोड़ीए तां अपने कोल इक वर्ड हो गया मैरी ते सैकेंड वर्ड हो गया टाइम। ठीक है, सो इहदे विच तुसीं टाइम नूं याद रख लो ते नाल लंडन नूं। हुण तुहानूं पता ही होगा कि लंडन दे विच अपने कोल इक ग्रीनविच मीन टाइम है, लंडन दा जिहड़ा ग्रीनविच मीन टाइम है। हुण ग्रीनविच मीन टाइम की है, इहनूं बेसिकली GMT भी बोलदे हैं। ठीक है, बेसिकली उरे जिहड़ा टाइम है उहनूं ही स्टैंडर्ड मन के सारी कंट्रीज वर्ल्ड दियां उह अपना टाइम नूं सैट करदियां ने। ठीक है, सो कित्थे है जिहड़े टाइम बारे इनफॉर्मेशन दिंदा है, लंडन च है। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन लंडन च हैडक्वार्टर है, इस तरीके नाल तुहानूं याद हो जूगा, GMT तो याद रख लियो। ओके, उस तो बाद हुण 15 देखो, वह हैगी अपनी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन। ठीक है, या फिर इनू कला वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन भी बोलते हैं, इनू बेसिकली UNWTO लिखते हैं। ओके, देखो हुण जिहड़ी इह वाली अपनी ऑर्गनाइजेशन है इहदे हैडक्वार्टर जिहड़े ने उह हैगे मैड्रिड स्पेन दे विच। ठीक है, हुण इनू याद करन दी ट्रिक है, जिवें अपने कोल कोई ए परसन है वाला, ए की है, ए बहुत ज़्यादा घूमन फिरन दा शौकीन है। ठीक है, सो ये की है, ये बंदा जिहड़ा हैगा वह पागल होया रहिंदा हमेशा अगर ये अगे कोई टूर की गल की जाए, मतलब घूमन फिरन का शौकीन है ना, सो मैड होया रहिंदा अगर इनू कित भी घूमन लै जाओ ये लै चला जाता आराम नाल। सो जिहड़ा टूर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन हैगी है जिहड़ी, उहदे विच वर्ड टूर है ना, सो टूर नूं टूर तो याद रख लो कि वह बहुत ज़्यादा मैड है घूमन दे लई। ठीक है, सो एवें तुहानूं याद हो जूगा कि जिहड़ी अपने कोल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन है उहदा हैडक्वार्टर कित्थे है, मैड्रिड च। कोई बंदा बहुत मैड रहिंदा है घूमन दे लई। ओके, उस तो बाद अपनी 16th ऑर्गनाइजेशन जिहड़ी हैगी है वह हैगी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगर मैं इहदे हैडक्वार्टर की गल करां वह हैगा अपना बर्न दे विच स्विट्जरलैंड। ठीक है, हुण पोस्टल तो पोस्ट याद रखना है ते बर्न मीनस बर्न, बर्न तो याद रखना है। ठीक है, हुण मैं दस दियां याद, देखो हुण इहनूं याद करन दी ट्रिक देखदे हां। देखो जदों भी अपनी कोई पोस्ट आउंदी है उहनूं अपने तक पहुँचाउण दा काम कौन करदा है, पोस्टमैन करदा है ना। सो चाहे बहुत ज़्यादा धुप होवे, ठीक है, तां वी जिहड़ा पोस्टमैन है उहनूं अपनी ड्यूटी करनी पैंदी है ताकि अपना जिहड़ा पोस्ट है वह अपने तक पहुँच सके। सो जदों पोस्टमैन बहुत ज़्यादा धुप च काम करता है तां की हुंदा, उहदी जिहड़ी स्किन है वह बर्न हो जाती है। ठीक है, सो याद हो गया होगा कि जिहड़ा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उहदा हैडक्वार्टर हैगा बर्न, क्योंकि पोस्टल वर्ड नूं बर्न दे नाल कनैक्ट कर लियो। ओके, उस तो बाद नैक्सट हुण
17th ते लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जेड़ी हैगी है वो हैगी अपनी यूनेस्को। ठीक है, इन्हों बेसिकली की लिखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जिहड़ा अपना यूनेस्को है इहदा बेसिकली हैडक्वार्टर हैगा अपने कोल पैरिस फ्रांस दे विच। हुण देखो जिहड़ा यूनेस्को है इहदे विच अपने कोल इसको करके थोड़ा वर्ड आंदा है ना, तो पहला इहनू माइंड च बिठाओ ते इहदे विच एक अपना कीवर्ड हैगा एजुकेशनल। ठीक है, हुण देखो जिवें तुसीं हो ते थोड़ा कोई फ्रेंड है बी, ठीक है, तो थोड़ा एक दोनों का होर कॉमन फ्रेंड है जिहदा नाम कुछ सी तो लगा लो। ठीक है, हुण तो थोड़ा जिहड़ा ए फ्रेंड है वह थोनू पुछदा है भी जिहड़ा सी है भी ये कित्थे जा रहा है, वो पढ़न दे लई चला है बेसिकली कितने बाहर, तो तुसीं उहनू दस रहे हो भी इसको भी जिहड़ा सी है भी इसको कित्थे जाना है पढ़न दे लई, इहनू पढ़न दे लई जाना है इन्हें फ्रांस के पैरिस के विच, भी पढ़न लई कित्थे चला है पैरिस। ओके, सो जो थोनू पुछ रहे भी कितने चल रहा है तो तुम उन्होंने कह रहे हो भी इसको पढ़ने के लिए पैरिस जाना है। ठीक है, मतलब एवं कुछ करके थोड़ा जहा स्टोरी क्रिएट करके याद रख लियो। ओके, इन्ना थोनू याद हो जाऊगा। वैसे भी यूनेस्को का जोड़ा है वो आंदा ही रहा न्यूज़ ये बारे, तो मैं भी थोड़ा दो तीन बार दस चुकी हाँ कि ये जो हैडक्वार्टर पैरिस के है, बस इसको वर्ड याद रखना यूनेस्को इसको थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो इन एजुकेशन वर्ड भी इतने यूज होया, सो इनू एजुकेशन परपज लिए कितने जाना है पैरिस। ओके, सो अज आपां ने ट्रिक्स की हैल्प के नाल यूनाइटेड नेशन की जिहड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने हैडक्वार्टर याद किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनू अच्छे तरीके नाल याद रख लियो। ओके, सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के, अज लई इन्ना ही, थैंक यू सो मच।